राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सत्ता संकल्प यात्रा को लेकर 3 दिवसीय बाड़मेर दौरे पर हैं। गुरुवार को बेनीवाल ने बाड़मेर जिले के सीमावर्ती 54 विधानसभा में रोड शो निकालकर बड़ा प्रदर्शन किया। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मोदी जी आरएलपी के डर से बार बार राजस्थान आ रहे हैं। मोदी जी लगातार यात्राएं करे, मोदी जी आरएलपी के डर से आ रहे हैं बार बार। कांग्रेस तो गई हुई है लेकिन आरएलपी से खौफ है मोदी जी को। सारे उपचुनाव जो बीजेपी आ रही थी, आरएलपी ने बराबर टक्कर दी, कई जगह दूसरे तीसरे नंबर पर धकेला। मोदी को आरएलपी का डर सता रहा है, उनको लग रहा है कि राजस्थान हाथ से चला गया तो लोकसभा के अंदर भी दिक्कत होगी। 24 से लोग वोट नहीं देंगे, हो सकता कुछ लोग दे दें। आप इनसे जनता से तो लूट रहे हो, सारे मंत्री भ्रष्ट, विधायक भ्रष्ट, और जो भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया राजस्थान में, इसके खिलाफ वोट करेंगे लोग। बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते, बीजेपी को दिल्ली में देख ले, यहाँ देखा 15 साल लगातार। गहलोत ने खुद कहा सुनना मेरी सरकार बचाई, मिला जुली का खेल है। लोग इस बार आरएलपी को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि राजस्थान वीरों की धरती। इस बार लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्षत्रिय पार्टी क्यों नहीं बन सकती, जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार सब जगह राजस्थान में बननी चाहिए, पर हमारी पार्टी सत्ता मानी चाहिए। यह सत्ता का संकल्प लेके हम व्यवस्था परिवर्तन निकले राजस्थान। बेनीवाल ने कहा आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा का आज 5वां दिन है। हर कहीं आरएलपी को अपार समर्थन मिल रहा है क्योंकि जनता बीजेपी कांग्रेस के मिलीजुली खेल से अब तंग आ चुकी है और इस बार बदलाव चाहती है। टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को रोजगार, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, भय मुक्त राजस्थान जैसे मुद्दों को लेकर आरएलपी मैदान में है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस बार राजस्थान में 85 लाख नए युवा मतदाता जुड़े हैं। वो अपना पहला वोट अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार, पेपर लीक के खिलाफ वोट करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी अकेली राजस्थान में 1 करोड़ वोट हासिल करेगी। गहलोत सरकार की योजनाओं के खिलाफ बोलते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि फ्री अनाज देने से कोई वोट नहीं करेगा। हाँ, कुछ लोग वोट कर भी देंगे लेकिन सरकार के मंत्री से लेकर विधायक सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बेनीवाल ने दावा किया है कि इस बार राजस्थान की जनता कांग्रेस बीजेपी के मेलजोल के खेल को खत्म करने का मानस बना चुकी है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक आरएलपी के खाते में आएगा। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।